वेलकम टू द वैष्णवी पाठशाला। वैष्णवी पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लेकर के आए हैं अपने संवैधानिक संशोधन का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि जो हमने पिछली वीडियो में देखा था 42वें और 44वें संशोधन के बाद का जो वीडियो है ये अब रहा। तो इसमें हम नेक्स्ट संवैधानिक संशोधन में बात करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी जितनी भी परीक्षाएं हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित, वो किसी भी बोर्ड का हो चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं, तो उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और किसी भी प्रकार का सुझाव है तो कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम 42वें और 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद चर्चा करेंगे 61वें संवैधानिक संशोधन पर। अब 61वां संवैधानिक संशोधन जो था वो 1989 में किया गया। अब इसमें बदलाव क्या किया गया, इसमें उम्र सीमा को घटा दिया गया, यानी कि जो उम्र सीमा 21 वर्ष थी उसको 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 के द्वारा उम्र सीमा में बदलाव किया गया और इसमें अनुच्छेद 326 में परिवर्तन किया गया था। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उम्र सीमा के बारे में बताया गया, तो उम्र सीमा को घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया, यानी 18 वर्ष का जो व्यक्ति होगा वो मतदान डाल सकता है, तो वो किया गया 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो नेक्स्ट हम संवैधानिक संशोधन में बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास संवैधानिक संशोधन है 70वां संवैधानिक संशोधन। 70वां संवैधानिक संशोधन 1992 में किया गया था। अब इस संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या किया गया इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, दिल्ली और पांडिचेरी यानी कि जो पुदुचेरी है एक संघ शासित प्रदेश है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनमें विधानसभाओं का भी प्रावधान किया गया। तो 70वें संवैधानिक संशोधन द्वारा बस यही बदलाव किया गया, यानी कि इसमें निर्वाचक मंडल को भी शामिल किया गया। तो दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को, यानी जो विधानसभा के सदस्य हैं वो अगर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो उनको भाग लेने के लिए शामिल करने का प्रावधान इसी 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा किया गया। तो 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्यों को, यानी कि जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने के का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट संवैधानिक संशोधन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 71वां संवैधानिक संशोधन। तो 71वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1992 में किया गया। अब 1992 में किया गया तो इसमें क्या किया गया, इसमें 8वीं अनुसूची में आपको पता है कि भाषाओं के बारे में बताया गया है जो कि भारत की 22 भाषाएं होंगी। तो 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई, कौन की, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो इस तो अब जब ये 3 भाषाएं जोड़ दी गई तो संवैधानिक संशोधन में उस समय यानी 1992 में 18 भाषाएं हो गई। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जिससे 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या थी वो कितनी हो गई, 18 हो गई। तो नेक्स्ट संवैधानिक संशोधन है हमारे सामने, नेक्स्ट संवैधानिक संशोधन है 73वां संविधान संशोधन। ये 73वां जो संवैधानिक संशोधन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1992 में किया गया और साथ में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान करता है। तो जो हमारे पास संवैधानिक संशोधन का भाग 9 है, संविधान का भाग 9 उसका अनुच्छेद 243 यानी कि 11, अब उसमें क्या किया गया, 11वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। अब 11वीं अनुसूची को जब उसमें जोड़ दिया गया तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की स्थापना कर दी गई। आपको पता होगा कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। तो 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 87वां संविधान संशोधन। अब 87वां संविधान संशोधन जो था वो 2003 में किया गया। अब 87वां संवैधानिक संशोधन जो 2003 में किया गया तो इसमें क्या किया इस पर चर्चा करते हैं। इसमें लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाएं जो थी उसमें जो परिसीमन की जनसंख्या का आधार वर्ष था वो केवल बदला गया, तो उनका जो आधार वर्ष था 1991 के स्थान पर 2001 कर दिया गया। बस इतना सा है 87वां संवैधानिक संशोधन। तो 87वें संवैधानिक संशोधन को हमने बता दिया पर यह 86वां संवैधानिक संशोधन छूट रहा था तो इसको भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो 86वां संवैधानिक संशोधन जो है वो 2002 में किया गया। अब इसमें क्या किया गया, इसमें जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चों थे उनके लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया और साथ में अनुच्छेद 21 का जो मूल कर्तव्य के बारे में बताता है यानी मूल अधिकार के बारे में बताता है वो उसमें संशोधन किया गया।
यानी कि 21 का मूल अधिकारों में ये जोड़ा गया, और इसके साथ अनुच्छेद 51 का में जो 11 मूल कर्तव्य हैं उसमें जो 11वां मूल कर्तव्य है उसको जोड़ा गया। तो 86 में संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या किया गया, सबसे पहले उम्र की सीमा यानी कि जो बच्चे थे उनकी 6 साल से 14 साल तक के जितने बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा को अनिवार्य किया गया, और अनुच्छेद 21 का में जो मूल अधिकार है उसमें उसको जोड़ा गया, और अनुच्छेद 51 का में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब 11वां मूल कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, और मूल अधिकार जो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो 86 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये परिवर्तन किया गया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है 92वां संवैधानिक संशोधन। तो 92वां जन संवैधानिक संशोधन जो था वो 2003 में किया गया। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए, इसमें 8वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया। तो 8वीं अनुसूची में जो 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन कौन सी नई भाषाएं जोड़ी गई थी, 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी। किसमें, 8वीं अनुसूची में परिवर्तन करके जो 3 नई भाषाएं डाली गई थी, और उसमें संख्या कितनी हो गई थी, 18। तो अब यहां पर 92वां संवैधानिक संशोधन किया गया जिसमें 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, 8वीं अनुसूची में ही परिवर्तन करके 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। तो अब भाषाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 22। तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, इसमें जोड़ी गई बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये नई भाषाएं जोड़ी गई 92वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। और अब संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाषाओं की संख्या टोटल कितनी हो गई, 18 वो और 4 ये, यानी कि 22। तो 22 भाषाएं पूरे हो गई संविधान में। तो 92वां संवैधानिक संशोधन द्वारा ये कार्य किए गए, यानी कि 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाएँ जोड़ी गई। नेक्स्ट संशोधन पर बात करते हैं, नेक्स्ट संशोधन जो हमारे पास है वो है 100वां संविधान संशोधन। 100वां संवैधानिक संशोधन जो है 2015 में किया गया। अब ये जो था 2015 वाला संवैधानिक संशोधन, ये भूमि सुधार से संबंधित था, यानी भारत और बांग्लादेश के मध्य जो भूमि सीमा समझौता हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत ये संवैधानिक संशोधन किया गया। अब इसमें हुआ क्या था, वर्ष 1974 में एक द्विपक्षीय समझौता हुआ था जिसको भूमि सीमा समझौता बोला जाता है, जिसमें यह हुआ था कि कुछ क्षेत्रों की अदला बदली की जाएगी, जिससे क्या हुआ कि असम पश्चिम बंगाल हुआ मेघालय और त्रिपुरा की सीमाएं प्रभावित हुई। तो जब ये सीमाएं प्रभावित हुई तो इस संदर्भ में पहली अनुसूची में भी संशोधन किया गया। बस इतना है संवैधानिक संशोधन, यानी कि 100वां संवैधानिक संशोधन जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा से संबंधित है, भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। तो 100वें संवैधानिक संशोधन से क्वेश्चन उठ सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा से संबंधित समझौता है वो कौन सा समझौता है। ऑप्शन हो सकते हैं कई सारे, तो उसमें 100वां संवैधानिक संशोधन इम्पॉर्टेंट होगा। या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली अनुसूची में संशोधन किस संवैधानिक संशोधन की देन है, तो 100वां संवैधानिक संशोधन उसका आंसर होगा। या क्वेश्चन बन सकता है कि 100वां संवैधानिक संशोधन किस सन में किया गया, तो सन भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट संवैधानिक संशोधन पर बात करते हैं, 101वां संवैधानिक संशोधन। 101वां संवैधानिक संशोधन जो है ये 2016 में किया गया। अब ये क्या है, अब इस संवैधानिक संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद 246 आ जोड़ा गया, यानी 246 ए या का जोड़ा गया, जो ये बताता था कि संसद और राज्यों की विधानसभाएँ जो हैं, यानी दोनों को वस्तु एवं सेवा कर, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित जो विषय होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार होगा। ये बताया गया 101वें संवैधानिक संशोधन 2016 के द्वारा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है अनुच्छेद 269 का जोड़ा गया। अब ये क्या था, ये प्रावधान करता था कि जितने भी अंतर्राज्यीय व्यापार होंगे, यानी कि अंतर्राज्यीय जितने भी व्यापार होंगे उस पर GST परिषद एक बनेगी, और उसकी अनुशंसा पर ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए और वसूले जाएंगे, यानी केंद्र सरकार द्वारा कर वसूले जाएंगे, बस इतना है। अंतर्राज्यीय जितने भी कर होंगे उसको GST से संबंधित किया गया, और केंद्र सरकार द्वारा सारे कर लगाए जाएंगे, लेकिन उनका जो विभाजन होगा वो केंद्र करेगी राज्यों के बीच में। तो इतना अनुच्छेद 269 का में जोड़ा गया। ठीक है, हम फिर से इस पर बात कर लेते हैं, तो क्या क्या जोड़ा गया 269 का में, कि केंद्र क्या करेगी राज्यों के बीच में एक GST कर लगाएगी, GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो सारे में बांटेगी और उस कर को इकट्ठा करेगी, और वो सारा कर जो होगा अंतर्राज्यीय व्यापार के द्वारा इकट्ठा किया जाएगा।
ठीक। इसके बाद नेक्स्ट इसमें 279 का जोड़ा गया। अब इसमें क्या था, जो ये बताता था कि इस अधिनियम के लागू होने के 60 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन करना होगा। तो इतना परिवर्तन किया गया 101वें संविधान। तो इसमें 101वां संवैधानिक संशोधन जो 2016 में किया गया, इसमें अनुच्छेद 246 ए जोड़ा गया, 269 का जोड़ा गया और 279 का जोड़ा गया। ये तीन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। और सबसे पहले जीएसटी किस में लगा था, किस देश में लगा था, सबसे पहले जीएसटी लगाने वाला देश है फ्रांस। तो यहाँ से हमारे जितने भी संवैधानिक संशोधन हैं वो सारे समाप्त हुए हैं। तो अगर आपको ये पूरी सीरीज के बारे में समझना है, संवैधानिक संशोधन का अध्ययन करना है अच्छे से, तो आप पहले वीडियो से लगा करके लास्ट वीडियो तक देखिए उसको। अगर हो सके तो कॉपी पर नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट बना करके, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारी पूरी सीरीज आज से समाप्त होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, एक ये सीरीज पूरी अच्छी लगी है, या हमारे जितने भी वीडियो है अच्छे लग रहे हैं, आपके कुछ काम आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जितने भी स्टडी से संबंधित फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप हैं उस पर सेंड कर दीजिए। और साथ में अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आप अगर लाइक करेंगे तो हमें भी नए नए वीडियो बनाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, नई नई जानकारी देने में आपको अच्छा लगेगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी प्रकार की अगर हमसे गलती होती है तो आप उस पर कमेंट्स कीजिए, या आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो कमेंट्स करके बताइए कि सर आप ये गलती कर रहे हैं, सर आप ये गलती कर रहे हैं, हम उस पर ज़रूर संशोधन करेंगे, एक संशोधन हम अपने ऊपर भी कर लेंगे। तो आपको अगर ये चैनल वीडियो या आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।